हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको अलग टाइप का एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि सर हम जो ऑनलाइन अपने माध्यम से मोबाइल के माध्यम से हम खुद आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड डाउनलोड करें, डाउनलोड करना सीखें अपने मोबाइल फ़ोन से। तो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बस आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि इकलौता ऐसा चैनल जो सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है। तो सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च बार में टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद सर्च बार में आपको यहाँ पर टाइप करना है myaadhar.gov.in। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया है myaadhar.gov.in। तो इसको सर्च करने के बाद उसको सिंपली यहाँ पर सर्च कर देना टाइप करने के बाद। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट जो वेबसाइट मिलती है माई आधार का, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, यानी कि दो तरीके से आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला तो लॉगिन करके आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ ही वहाँ पर अगर आपको कुछ करेक्शन करना है एड्रेस में, नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, कुछ भी करेक्शन करना है तो आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है डाउनलोड आधार पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे आपको कैप्चर फिल करना है, जैसा छोटे बड़े में अक्षर दिया हुआ है। उसके बाद सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी जानकारी यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। तो मैंने सारी जानकारी फिल किया है। उसके बाद OTP यहाँ पर देखिए डालने का ऑप्शन आ रहा, तो मैं OTP को यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। OTP इंटर करने के बाद आपको वेरीफाई डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं OTP जल्दी से फिल कर लेता हूँ। OTP हमारी आ चुकी है। तो यहाँ पर जिस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगी जो आपने लिंक किया होगा, उसके बाद वेरीफाई डाउनलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन लिखकर आ जाएगा कि आधार कार्ड डाउनलोड हैज बीन डाउनलोडेड। तो यहाँ पर आ चुका है। अब आपको नीचे यहाँ पर देख लेना है कि एक PDF ओपन होगी, उसमें पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड आपको क्या डालना है, जैसे कि आपका नाम है अनीश कुमार, तो शुरू के जो चार अक्षर हैं आपको ANIS ये आपको कैपिटल में लिखना है। उसके बाद 1989 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको 1989 डायल वो लिखना है, यानी कि शुरू कोई अपने नाम के चार अंक चार अक्षर लिखने हैं। उसके बाद आपकी जो ईयर है यानी कि 1998-99 वो आपको लिखना है। उसके बाद ओपन करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर PDF में डाउनलोड हो चुका है। तो उसको सिंपली यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ई आधार डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको पासवर्ड मांगा जाएगा। तो पासवर्ड जो मैंने आपको बताया है वही आपको डालना है। शुरू के चार अक्षर आपका बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में होगा। उसके बाद ईयर आपको डालना है 98-99 जो भी आपका है, 1999 वो डालना है। तो यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ, यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ये ओपन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड हमारे सामने डाउनलोड होकर आ चुका है। यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। तो आप इस तरीके से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।